जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ALP एंड टेक्नीशियन के बारे में, बात करने वाला असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के बारे में बात करने वाला, जो आपका फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ये देख सकते हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे RRB के द्वारा नोटिस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देख लें, मैं पूरी जानकारी बताता हूँ। ये आपका कल ही नोटिस आया है दोस्तों, 30 तारीख को ही नोटिस आया है। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन लेट आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। 5 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज का जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका 5 नवंबर से पहले आ जाएगा। ठीक है ना, और मैं बता देना चाहता हूँ कि 19 नवंबर से आपका एग्जाम सेकंड स्टेज का स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग तैयारी जल्दी से जल्दी करें, जिन्होंने जो भी जोन सेलेक्ट किया है, जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 19 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है सेकंड स्टेज का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार नोटिस को पढ़ देना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, द रिजल्ट प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट स्टेज CBT इन फाइनल स्टेज। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर सेकंड स्टेज CBT ऑफ इच RRB। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया मतलब सभी जो RRB के हैं शॉर्टलिस्ट, RRB जितने भी हैं सबका शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन देयर मेरिट एंड पोस्ट प्रिफरेंस इन लाइकली टू बी पब्लिशड ऑन दी बिफोर 5 नवंबर। यानी कि 5 नवंबर से पहले ही आपका शॉर्टलिस्ट जितने भी सेकंड स्टेज के लिए कैंडिडेट का करना है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छी खुशखबरी की बात है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आपका इस हो जाता है, फिर ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसका रिजल्ट ग्रुप डी का जाएगा। और RPF का दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, ये तो आप लोग को पता ही है। मैंने वीडियो नहीं बनाया है RPF का, मैं वीडियो बना दूंगा। तो एक अच्छी खुशखबरी की बात है दोस्तों, आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग देखें। और 2018 एलॉन्ग विथ टू एक्चुअल मार्क्स एंड नॉर्मलाइजेशन स्कोर दी कैंडिडेट, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसमें भी आ जाता है, सब कुछ में नॉर्मलाइजेशन होगा, बिना नॉर्मलाइजेशन कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, एक्यूरेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक अच्छी खुशखबरी की बात है, जो कि बहुत जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है। और सेकंड स्टेज का जैसे ही एग्जाम होना इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है नोटिस में आपका, कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट दी सेकंड स्टेज CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन लाइकली टू स्टार्टेड फ्रॉम 19 नवंबर। ठीक है, 19 नवंबर से आपका हो जाएगा। दिस सिलेबस ऑफ वायरस एग्जाम ट्रेड हैज बीन पब्लिशड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट RRB ट्रैवल लिंक, कैंडिडेट अगैन डाउनलोड देयर एग्जाम ट्रेड सिलेबस बाई क्लिक ऑन दी रिलेवेंट ट्रेड नेम। ठीक है, मतलब साइट पे आपका अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी चेक नहीं किया है, जैसे ही अपलोड अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपलोड कर दिया गया, मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं देख लूँगा। ठीक है, और कैंडिडेट आर फादर एंड तो रेगुलर विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि आप हमेशा देखते रहें साइट को। ठीक है, और मैं हमेशा अपडेट दे दूंगा आपको। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं हमेशा अपडेट दे दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, वो वीडियो को जरूर देखें, मैं जरूर कोशिश करूँगा हर एकदम अपडेट आपको देते रहूँगा। ये जो कि RRB के द्वारा दिया गया है नोटिस, एक अच्छी खुशखबरी की बात है। 30 तारीख का नोटिस आया है, यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है 30/10 यानी 30 अक्टूबर का नोटिस आया है। तो एक अच्छी खुशखबरी की बात है दोस्तों। ठीक है, और किन्हीं के मन में कोई भी सवाल है तो सवाल करें, कमेंट्स करें, कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा। मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने बताया था कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट कितने होंगे, मेरे चैनल पे वीडियो है, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा एंड स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप लोग कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही अपडेट था और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।